नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जोधपुर जिले के ओसिया में एक धार्मिक कार्यक्रम एक शाम तेजा जी के नाम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल ने लोगों को संबोधित किया। बेनीवाल ने आधे घंटे का लंबा भाषण दिया, लेकिन हम आपको भाषण की बड़ी बातें बता देते हैं फटाफट। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पुलवामा में हुए 40 सैनिकों की शहादत को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, अगर मैं होता तो हमला कर देता, ये कहा हनुमान बेनीवाल ने। और बेनीवाल ने कहा कि 40 के बदले 5 लाख पाकिस्तानी को मार के बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान का जो नक्शा है उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर भी खींवसर विधायक ने कहा कि आप सबकी राय लेकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप बोतल का ध्यान रखना। बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत सहित तमाम दिल्ली के जो बड़े नेता है वो हनुमान बेनीवाल को साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे मंत्री पद का लालच नहीं है। एक बार बेनीवाल ने फिर कहा कि मेरा जो सपोर्ट था वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए सचिन पायलट को था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। और बेनीवाल ने यह भी कहा कि अगर मैं विधानसभा में 150 सीटों पर चुनाव लड़ता तो वसुंधरा जी जाती, इसलिए प्रत्याशी 150 सीटों पर नहीं उतारे। बेनीवाल ने नागौर के सभी जो विधायक हैं उनको भी आड़े हाथ लिया और कहा कि नागौर से 8 जाट विधायक होते हुए भी विधानसभा में तेजा जी का जयकारा एक ने भी नहीं लगाया। रूपाराम मुरातिया की बेनीवाल ने तारीफ जरूर की। आपको याद होगा विधानसभा में रूपाराम मुरातिया ने तेजा गायन करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया था, तो रूपाराम मुरातिया की हनुमान बेनीवाल ने तारीफ की थी। तो ये उस जो ओसिया में एक शाम तेजा जी के नाम का कार्यक्रम हुआ था उसमें जो बड़ी बातें थी हनुमान बेनीवाल ने कही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी प्रकार की न्यूज़ है वो सबसे पहले आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो।